महिलाओं को परमेश्वर ने दिया है। स्टेफी अम्मा का कल्याण जेव मणि करो। स्टेफी की माता जी के लिए सभी प्रार्थना कीजिए। हम सभी बोझ और दुख से दबे हुए लोग हैं। हमें पर प्रभु सहायता करने के लिए इच्छा से है। केवल हमें हमको विश्वास करना है। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति करते हैं। महिलाओं के बीच में बातें करने के लिए हमारे पास कुछ भी योग्यता नहीं है। फिर आप भी हमें पहले से चुन लिया है। आप ही हमें बुलाए। फिर भी मेरे अंदर योग्यता नहीं है। बीते हुए दिनों को हम सोच कर देखते हैं। मेरी कमियों के द्वारा कई कष्ट को सहना पड़ा। वचन वचन को जानते हुए भी हे प्रभु जी, हमारे अंदर कमियां है। देखिए आपके प्रेम कितना महान है। आपके महान कार्य को एक जबान काफी नहीं है। इन दिनों में आपके जन्म दिन को हम मनाए थे। स्वर्ग राज कितना महिमा और कितना मधुबन जगह को छोड़कर एक मनुष्य के स्वरूप में आप उत्पन्न होकर पवित्र आत्मा से उत्पन्न होकर हमारे लिए जन्म स्वभाव जन्म की स्वभाव के बिन दया के प्रेम रहित कलंकित के स्वभाव के लोग हम आपसे दूर होने गए लोगों के लिए हमारे लिए आया प्रेम कितना महान है। ए प्रभु, आपके प्रेम की बराबरी में क्या चढ़ाएंगे। कोई यदि अच्छे मनुष्य के लिए जीवन त्याग सकता है। हमें सोच कर जो भी पाप से भरा हुआ हमारे लिए आपको आप अपने जीवन को त्याग दिए। नीर उयिरोड़ एलंद बढ़िया आप जीवित उठे इसके लिए विश्वास के नाम आपके हर एक वचन को हम विश्वास कर सकते हैं। आप जिलाए गए इसके लिए हमारे विश्वास भी जिलाया गया है। आपके वचन के अनुसार चलते समय हमारे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। पिछले साल बीत गया है। नए साल के अंदर हम आए हैं। पुरानी सब बीत गई, सभी नया होगा कर पवित्र शास्त्र कहती है। आप हमें नए स्वरूप में जिलाने के लिए आप उत्पन्न होकर मर कर जिलाए गए हैं। उणर्वे तारो उस प्रेम को जांचने के लिए एक महसूस भरी हृदय को दे दीजिए। अब भी हमें छुपा कर आप बातें कीजिए। ईश्वर के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं। फिर से एक बार ईश्वर मसीह के नाम से बधाई।
நான் எத்தனையோ நாளா கேட்டுட்டு இருந்தேன் मैं कई दिन से पूछ रही थी अपने அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஒரு நாள் நான் பைக்ல ஏறும்போது एक दिन मैं बाइक में चढ़ रही थी எனக்கு இந்த வசனத்தை தந்தாங்க इस वचन को परमेश्वर मुझे दिए அல்லேலூயா அல்லேலூயா நமக்கு தெரிஞ்ச வசனம் हम सभी जाना हुआ वचन निर्गमन 33:14 मेरे सम्मुख तेरे आगे चलेगी मैं तुझे विश्राम दूंगा सभी को जाना हुआ वचन है उनके सम्मुख यानी क्या उनके सम्मुख मतलब कोई भी नहीं बता रहे हैं और ये प्रसन्न उनकी प्रशंसा அவருடைய சமூக நம்ம கூட இருந்தா நம்ம தான் விசேஷித்தவர்கள் उनके समूह हमारे पास रहे तो हम ही विशेष है சரி சமூகம் என்னன்னு கேட்டேன் நீ சொல்லல இது யார் பேசுனா ये कौन बातें कहां ये वचन को कौन कहा परमेश्वर खुद कहे ये वचन को अभी बोले योजना बाया ना उसके लिए कितना घबराहट और डर आंदर से लगा यहोवा ने ही कहा ये दिक्कत सुना गया क्यों कहा बाइबल पाठ हम चलो ये दिक्कत सुना गया आरोन आरोन ஆண்டவர் பெருக்க காரியம் விக்கிரக ஆராதனை அவர் பரமேஸ்வர் திசை துச்ச மாந்தே மூர்த்தி பூஜக கோ பரமேஸ்வர் துச்ச மாந்தே நான் நீ சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்றேன் சோஸ்திரத்தோடு நீங்க மேரி பிரார்த்தனா கே சாத் ரஹி ஹோ ஜோ பி முஜே பதானா ஹை உஸ் சபீ கோ முஜே பதானா ஹை ஹalleluya ஹalleluya இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்திர வாழ்க்கையில வந்துட்டாங்க இஸ்ரவேல் ரோக் ரெகிஸ்தான் கி ஜீவன் மே ஆ ரஹே தே को बुलाकर मेरी प्रजा को छुड़ाना कर कर कहने लगे मीहा भविष्य दत्ता इसके बारे में ऐसा कहा रखा 7:15 में ऐसा लिखा है मिस्र से जब निकले उसके समान उन्हें तुझे अद्भुत को दिखलाऊंगा நீ எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாளில் நடந்தது போலவே உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் அல்லேலூயா அல்லேலூயா எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நாள்ல என்னென்ன அதிசயம் செஞ்சேனோ அந்த மாதிரி இப்பவும் செய்வேன்னு ஆண்டவர் சொல்றார் जैसे कि मिस्र देश में कैसे निकले थे और अद्भुत काम दिखाया था उसी समान आज भी अद्भुत काम दिखाऊंगा नामक मीगा तिरक दृष्टि சொல்லுகிறார் हमारे ये मीगा भविष्यवाणी करता है எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு எங்க வந்தாங்க मिस्र से निकाल कर कहां आए सुनिए யோசனை பண்ணுங்களேன் थोड़ा सोचिए ना எங்க வந்தாங்க हां हमारी जिंदगी आज रेगिस्तान के समान हो सकता है हमें दुख उठाने के लिए आवश्यकता ही नहीं है यहूदा 3:3 में ऐसा लिखा है उनकी माता जन्म दिया हुआ एक पुत्र है यहूदा वो ऐसा कह रहा है प्रिय मित्रों तुम्हें उस उद्धार के विषय में உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கர்த்தருள்ளவனாய் இருக்கிறேன் लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था उद्धार के विषय में लिखने के लिए वो अत्यंत परिश्रम कर रहा है कैसा उद्धार उस उद्धार
பலவீனத்திலிருந்து ரட்சிப்பு பலவீனத்தா से உத்தார பற்றாக்குறையிலிருந்து ரட்சிப்பு கம்மியா से உத்தார பிரிவினையிலிருந்து ரட்சிப்பு அலர்ப்பன் से உத்தார கடல்ல இருந்து ரட்சிப்பு சொல்லிட்டே कर्ज से उद्धार ऐसे हम कहते जा सकते हैं उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था ऐसे अत्यंत परिश्रम करते समय और भी एक सो उनकी सोच में आती है देखिए क्या उनके सोच में आती है अभी पवित्र शास्त्र को देखिए मरक कूड़ा भूलना नहीं चाहिए हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देते हैं पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया विश्वास विश्वास हमारा एक और एक नाम है विश्वासियों अब विश्वासियों के लिए देखिए विश्वासियों लोग के लिए क्या है विश्वास तेलवी बहन कहती है कि विश्वासियों के अंदर अविश्वास है इसलिए हमें लड़ना है पर प्रभु जी कहने लगे लाल समुद्र में अलीलिया तू ऐसे ऐसे क्यों बातें कर रहा तू हाथ उठा कर कर राम कई नीट कर पूरे रात भर वो हाथ फैला कर खड़ा था हाथ में कड़ल फिरी अब आकर समुद्र को दो भाग करती है इसराइल प्रजा को उसमें से पार करने के लिए मूसा कहता है परमेश्वर कहकर मूसा जाने बोलता है इसराइल के हृदय में सेल्वी बहन जैसे कहे थे उनके अंदर अविश्वास रहेगा तो वो चल पड़ेंगे आते समय पानी आ गया तो जाते समय फिर तो हम डूब जाएंगे पवित्र शास्त्र में पहला कुरिन्थियों 15:2 ऐसा कहती है परमेश्वर की वचन और प्रचार को सुनकर उसके अनुग्रह नहीं चलेंगे तो विश्वास से कुछ लाभ नहीं है उद्धार के बारे में कहने लगा हमें हमारे लिए बहुत कुछ काम चाहिए हमारे बीच में कई कम उम्र की विधवाएं हैं देखिए अलगपन कितना उन्हें दुख पहुंचाती है ये सब बदलने के लिए उनके वचन हमारे अंदर रहेंगे तो हमें तसल्ली मिलती है उस उद्धार के बारे में बातें करते समय यहूदा कहता है हमें उसे उसके लिए प्रयत्न करना है कर कर प्रयोजन पौलुस कहते हैं कि उस प्रचार को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो उसके अनुसार उसके पालने के लिए विश्वास नहीं है तो वो लाभदायक नहीं है विश्वास देखिए विश्वास कहाँ से आती है वचन के अनुसार चलने के समय याकूब ऐसा लिखता है हमें वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है याकूब पहला अध्याय पहला अध्याय 18 सृष्टि नाम पलन नमें सत्य वसन जनिपार उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है और आज से नम मेल
उनकी इच्छा थी हमारे ऊपर हम सब पहलावट है वह परमेश्वर खुद इच्छा करते हैं हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है पहलावट मतलब कुछ नमूना बताएंगे मुझे मिर्ची याद आती है क्योंकि मेरे पिता किसान थे देखिए वो पहला मिर्ची इतना सुंदर दिखती है उसके समान सेब सभी चीजों में पहला वट इतनी अच्छी दिखती है मैं और आप उनकी पहला वट होना परमेश्वर की इच्छा है इसलिए परमेश्वर सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया है पत्रस ऐसा कहते हैं पहला पत्रस पहला अध्याय में 23 वचन पढ़िए அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே அல்லேலூயா இரண்டாவது ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கோம் दूसरा उत्पन्न किया हुआ है याकूब और पत्रस सही ठीक बताते हैं वसन जनपिकलन वचन के अनुसार उत्पन्न होकर उसके उसके तरफ चलेंगे तो हम ही पहलावट है आदि मनि देव समूह इंदिटर पहला मनुष्य परमेश्वर की समूह को खो बैठा था ये कहकर क्यों खोया था परमेश्वर की बात नहीं माना था मैं और आप कई बार ऐसे कर चुके हैं जिस फल को नहीं खाना चाहिए उन्हें खा लिया परमेश्वर मूसा से कहते हैं उनके निकट खड़ा रहकर उनके और पार होकर परमेश्वर उनके बारे में कहते हैं हमारी पासवान लगातार इसे कहते हैं देखिए क्या बताते हैं वो परमेश्वर परमेश्वर दया कृपयुम अनुग्रह भरी नीर्य सांगमु करुणामय महादया महादयालु सत्यमुला देव सत्यवरा परमेश्वर अब अगर यरकुलवर कृपा निरंदवर तकुदियत नमे मन्नी के दयारा अर्करार वो अनुग्रही कोप करने में धीरजवन और करुणामय और सत्य हमें क्षमा करने के लिए है परमेश्वर ने कहा कि उस फल को नहीं खाना लेकिन वाटिका को संभालना है कर कर और उसकी रखवाली करना है आदम उसे रखवाली करना छोड़ दिया शैतान की बात में आ गया शैतान उस हवा से कहा कि उसे नहीं खाना है क्या उसे प्रश्न पूछ कर उसे खाने के लिए कर दिया शैतान ने ऐसा नहीं कहा कि जरूर उस फल को तुझे खाना है कर क्या तुम परमेश्वर बन जाओ कर कर बोलते ही वो उसे खाने लगे मैं और आप कई बार उनकी उल्लंघन किए वह हमें क्षमा किया इसलिए हम तक हम है अभी आपको बताना है वो परमेश्वर के समूह को क्यों खो बैठे आपको समय देने के लिए नहीं है विश्वास चांस
இப்ப நான் உனக்கு 100 ரூபாய் தரணும்னு தரறாங்க உனக்கு ஒரு தர கிடையாது எதுக்கு தர மாட்டேன் நீ அப்படியே தக்கிறதுக்கு தான் சான்ஸ் கொடுத்தாரு நீ அப்ப சொல்லு प्रभु हम खाए அவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்க இஷ்டம் இல்ல ஐசி ஷமா நீ மாங்கி ஒரே ஷமா மாங்கி அவங்களுக்கு யாருக்கா மன்னிப்பு கேட்க இஷ்டம் இருந்ததா உனக்கு இதுக்கு ஷமா மாங்கி கி இச்சா ஆண்டவர் தயை பெற்றவர் ஆண்டவர் தயை பெற்றவர் பரமேஸ்வர் தயாலு ஹே அவங்க மன்னிப்பு கேட்கிறது பை என்ன பண்ணாங்க வோ தஞ்சி ஷமா மாங்கி சி பல்ல கே மாங்கி கோர சொன்னாங்க दूसरे की कमी बताने लगे इनके दिमाग कहां चली गई कुरिंथ सभा के पौल எழுந்தாரு कुरिंथियों कलीसिया के लिए पौलुस लिखते हैं हमारा मन आनंद है हालेलुया हालेलुया हम सब्जेक्ट के वाले என்ன எழுந்தாரு ஒரு அவிசுவாசியும் ஒரு விசுவாசியும் சேர்ந்தா यदि एक अविश्वासी और विश्वासी जुड़ गए तो वो पवित्र परिवार बन जाएगा और बच्चे भी पवित्र है मुझे और आपके भंडार की कार्य है महिलाओं के हाथ में ही सब कुछ है पुरुष के हाथों में भी है इंजीनियर था वे भी इंजीनियर है आंगल इंजीनियर बने पुरुष इंजीनियर है ना हालेलुया चट्टान में घर बांधता हुआ व्यक्ति इंजीनियर बुद्धिमान मनुष्य तो इंजीनियर है ना ब्राह्मण इंजीनियर हम भी इंजीनियर है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बांधती है हम सब मूर्ख हो सकते हैं यदि वचन की ज्ञान हमारे अंदर होगी हम तो बांधा जाएगा हमारी प्रार्थना में टूटे हुए अलग हुए परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करना है खुद के घर को नहीं बांधने के लिए जानते है इसके लिए अलग पन होता है उनसे हम बुद्धिमान नहीं है उनसे महान भी नहीं है वचन की आज्ञा पालन करते समय कितने नशेली भरे मनुष्य काम नहीं जा काम पर नहीं जाते उस पति के लिए भी भोजन देकर कई महिला को हम देखते हैं घर के काम कर अपने बच्चों को पढ़ाती भी है यदि परमेश्वर के समूह पर यदि ईश्वर मसीह हमारे के अंदर रहेंगे नानू नीगन विशेष मैं और आप विशेष व्यक्ति है संभव इस संभव क्यों आया वनांगर वाकेले அவங்களுக்கு அவிசுவாச நிறைஞ்சிருந்தாங்க रेगिस्तान की जिंदगी में पूरे अविश्वास से भरे हुए थे இப்ப நான் பிறந்தா சீனா மலையில அவர் ஆண்டவரோட பேசிட்டு இருந்தார் 40 दिन मूसा सीनाय के पर्वत में यहोवा से बातें कर रहा था ஆரோன் கிட்ட ஜனங்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க ஆரோன் के पास प्रजा सब कहने लगे நம்மளை அழைத்து வந்த மோசே கி என்ன ஆச்சு हमें बुलाकर लेकर आया मूसा को क्या हुआ इसके लिए हमारे सामने चलाने के लिए उस मूर्तियों को बनाओ देवताओं को बनाओ कर आरोन के विश्वास नहीं आरोन के अंदर विश्वास नहीं है केवल वो क्योंकि वो प्रजा के लिए डर रहे थे विश्वास देव बल परमेश्वर के बल हमारे अंदर है कर पवित्र शास्त्र सत्य से कहती है आरुण उस प्रजा से डर कर उस बछड़ा को बना देता है सामने काल
சவுல் என்ன பண்ணிட்டாரு देखिए சாமுவேல் கி பவிஷ்யத்தா கி தினோமே சவுல் நே கியா கியா ஆண்டவர் சொன்னாரு அமலேக்கே வந்து இஸ்ரவேலர முகாந்தரமா சண்டை போட்டதுனால அவங்க எப்போ யுத்தம் இருக்கும் பரமேஸ்வர் நே கஹா கி அமலேக் இஸ்ரவேல் கே விருத் மே ஆயா தா இஸ்கே லிய உன்கே ஊபர் ஹமேஷா झगड़ा रहेगी कर उधर मेरों ने उड़ा कूड़ा कि इसके लिए किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना है सभी को घात करना है कर साउल अमित राजा बचता साउल अमलेक राजा को रख दिया और प्रभु प्रभु खाने लगा कर जो भी तंत्र सता उन्हें बलि नहीं चढ़ाया साउल प्रभु कर सौल प्रभुओं के लिए डर रहा था देखिए इन दिनों में हमें क्या क्या डराती है कमियां कर्ज नोयगल बीमारियां तिरुमण कार्यத்தில் தடைகள் शादी की रुकावट இதெல்லாம் நம்பிக்கையற்றவர்களாக மாற்றுகிறது ये सब हमें भरोसा से अलग करती है हालेलुया यहूदा சொல்கிறார் உங்களுக்கு விசுவாசம் நீ போராட வேண்டும் यहूदा कहते हैं कि आपको प्रयत्न करना है आरोन போராடல आरोन प्रयत्न नहीं किए तिड़पड़ता परमेश्वर के अंदर अपने आप डांटस नहीं बांधा ओवर प्रचने को करते को हमें तिड़पड़ते हमारी हर एक समस्या को परमेश्वर के अंदर डांटस बांधते समय हम ही नहीं जानते वहाँ वह की कार्य सफल होगी हालेलुया हालेलुया परमेश्वर भला है वो शहर पना है उनके खोजियों को कभी नहीं त्यागते विश्वास यहूदा जैसा कहते हैं हमारे लिए विश्वास में लड़ाई होती है पूरा पाया पवित्र शास्त्र में पूरा लिखा है मत डरना प्रसन्नता लेकिन उनकी प्रशंसा को हमें नहीं छोड़ना प्रसन्न नमक यदि उनके समूह हमारे आगे चलेंगे तो वो आगे चलकर सभी टेढ़े मेढ़े को सीधा करेंगे हमारे अंदर ईर्ष्या जलन घमंड नहीं होना चाहिए याकूब ऐसे कहते हैं वो जन्म के स्वभाव के बाद और वो शैतान की क्रियाएं हैं उस दिन आदम क्षमा नहीं मांगा स्त्री ने किया कर वो स्त्री से पूछते स्त्री कहने लगे कि ये शैतान ने बरमाया तभी ही कमियां वहां आ गई दूसरों की कमियां बताते समय परमेश्वर को हम महसूस नहीं कर पाएंगे प्रचार करने वाले मैं ही कमियां बताती हूँ इसे इसको हम सीधा करना है हम कब कमियां नहीं बताएंगे हमें हमें कैसा चलना आकर को उस पर ध्यान करना चाहिए परमेश्वर के सम्मुख जल्दी में नहीं आएगी वो सोच से ही लगातार हमारे संग रहना है कर उनके सम्मुख हमारे बीच में रहेंगे तो हम विशेष तौर पर देखा जाएंगे योशुआ वो मिलाप के तंबू पर ही था पौलुस कहते हैं फिलिप्पियो 4:8 में ऐसा कहता है सच्चाई जो ठीक है जो धार्मिकता है जो गर्भ से परंपरा है प्रेम के कार्य क्या है भलाई कार्य क्या है जो सच्चाई है उसी के बारे में सोचते हो हम क्या करेंगे कल क्या करेंगे हमारे भारतीयों को कई जन को काम नहीं है लेकिन जो भी परमेश्वर की खोजियां है भजन संगीता 9:10 ऐसा कहती है परमेश्वर आपको खोजने वाले को आप कभी नहीं त्यागते आपके नाम को जाना हुए लोग केवल आप ही के भरोसे में रहेंगे उन्हें ढूंढना है परमेश्वर मूसा से कहा जो उसने तोड़ा था उसी के समान तू लेकर सुबह ही आना
அப்போ அவர் ஆரோன் அப்படி கண்டுபிடி பண்ணிட்டாரு ஆரோன் ने उस बछड़ा को बना दिया अपने ஆண்டவர் சொன்னாரு இது வணங்க கழுத்துல ஜனங்கள் तब परमेश्वर कहने लगा कि हठीले गर्दन के लोग हैं कायल ना जाऊं मैं उन द पांट पढ़ चुटे हैं जब मैंने सुबह प्रार्थना करते समय ये गीत को गाकर प्रार्थना करने लगे पांट पढ़ के लाने आ रहा ना पढ़ के लाना पढ़ी पे अने इनमें पढ़ के मैं गाये सुबह ही हूँ लेकिन मैं गाती हूँ खाड़न दो बंदा पांडे के लिए ये नहीं तो पाए या अनवे क्यों ऐसे उसे बढ़ते थे क्योंकि उनके नाश्ते से अलग हो गए मैं अपने बारे में सोचने लगी अनाथ से यहाँ हुआ हम घूमे थे लेकिन परमेश्वर हमें पूछताछ की क्यों अनाथ हम जैसे रहे इस वचन के अनुसार नहीं चले कमियां बताने लगे दूसरे के बारे में कमियां कहेंगे तो हम रेगिस्तान में ही रहेंगे बताइए कौन बताएंगे किसी से डर पवित्र शास्त्र में भी कई जन झूठ बताए हैं वो सब आपसे पूछने के लिए समय नहीं है अलेलुया याना यान तंगची रेंटर जी मुड़ी करना रेंटर मोपा तो नहीं मुड़ी चा साक्षी चले रे न्यारा हम न्यारा आए थे साक्षी चले वो रे साक्षी जब पर न्यारा न्यारा आए थे सुंदरी सुनाने नहीं कहना साक्षी चले को बोर निंच चले चले मैं क्या यार चलवा ना आरा निंच चले चली गए चरित्र ते मर चले अलेलुया याना नम चिंता पुरी नहीं ला क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं है हम सो जाए से बड़ा खुशिया से ही दम हम कितने अच्छे सासाना बनाते हैं नाला चलना और बोलते समय भी हम उसे जल्दी बोल सकते हैं ये पोर अगर ऐसा हो ना हम कुछ नहीं रुकता अगर विरुद्ध दिखना लगातार हम परमेश्वर चाहते हैं कि उनके सम्मुख हमारे बीच में रहे यो सुबह आसरे पुड़न तले इधर नाले ये रुते निपटी ना रे यो शुभा परमेश्वर की तंबू में था इसके लिए वातावरण को भी रुखाया था काले पुड़ो विशेष ताम इधर नाले काले के अंदर विशेष आत्मा था इसके लिए ना पर नहीं सिले इधर अंदर पहले हम यंत्रते इंद्रवेदले इधर इधर 40 का उम्र का उस बल 85 की उम्र पर भी था राक्षस बेटा ने झंडा पटक बैठा अंदर में ही सुना रहे वो कहने लगा कि राक्षसों भी को भी झगड़ा कर कर भी आऊंगा कई जन को ऐसे बता कर जा सकते हैं कुछ कार्यों को हमारी चाल चलन हम लेकर आएंगे आपको कई अनुभव है मैं अपने अनुभव से आपको बताने चाहती हूँ रेगिस्तान में जो हटीले गर्दन के लोग हैं हम मुझे परमेश्वर चुनकर आपको बताने के लिए रखा है दूसरों को कमियां बताना छोड़ना चाहिए उस दिन आदम यदि परमेश्वर से क्षमा मांगता तो उसका रिश्ता अब भी जुड़ता था विग्रह आराधना चाहिए रंबा मांगे चाहे उन्होंने मूर्ति पूजा कर कर बहुत धूमधाम मना रहे थे इन्हें एक ही पल में एक ही मिनट में मैं नाश कर दूंगा इनके सभी दाहिना को निकाल कर डालने पड़ेगा इसका अर्थ क्या है उनके सम्मुख चाहे तो हर पल हमें दीन करना चाहिए दूसरों को तुच्छ मानना छोड़ना चाहिए केवल आप ही को मैं नहीं प्रचार कर रही हूँ मुझे भी प्रचार कर कर मैं आपसे कहती हूँ क्योंकि उनका सम्मुख हमारे लिए अहम है और अम्मा चल रहा एक माता ऐसे कहती है और अम्मा शेपर्ड नामक एक माता वसन चल नहीं विश्वास नहीं मुंडीटारो वचन कहती है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरे घराने उद्धार पाएंगे उस माता एक बड़ी सेवक के पास जाकर कहने लगे कि वचन ऐसा लिखा है ये सब चाल चलन में नहीं आएगा कर उसके सेवक करने लगा इतना
பிள்ளைகள் மொபைல் இருக்குது டிவியில हमारे कितने बच्चे मोबाइल में है टीवी के सामने है எத்தனை பேர் பிள்ளைகளுக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க ஜெபம் பண்ணுங்க நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் हम कितने जन कहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करना அந்த ஊழியக்காரர் எப்படி சொல்லிட்டாரு இது நடைமுறைக்கு உதவாதுன்னுட்டாரு देखिए उस सेवक इस वचन के बारे में कैसे कहने लगा कि ये तो चाल चलन में नहीं आएगी ये शेपर्ड नामक माजी सहोदरी कुल तमिल கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தாங்க இஸ் மாஜி கி பாய் थोड़ा दूर था अब सोमले वो बीमार था அன்னைக்கு தியானம் பண்ணதாங்க वो वचन को जांचने लगा எஸ்ஐயா 49 எஸ்ஐயா 49 49 उस वचन उससे बातें कर रहा है 24-25 को पढ़िए ये सभी को याद करना है जो रात में ध्यान किया था इसका भाई वो बहुत बीमार था कुछ माने बेटा चलवा ने इस वचन को लेंगे सहोदरी का अनुपि उड़ पत्नी से कहता है कि इस वचन को मेरे बहन को भेजना लेटर एली उड़ अब चला कर और पत्र लिखकर मेरे बहन को भेजना भेजना कर कर रामा ने वचन ते विश्वास था इस मां जी उस वचन को कबूल कर विश्वास करने लगी उस उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे उद्धार पाए इस वचन को अब ध्यान दिए क्या देखिए कैसा बताती है हमसे जो कार्य नहीं होगा वो परमेश्वर करेंगे क्या वीर के हाथ से शिकार चीन जा सकता है क्या दुष्ट के बंधुआ छुड़ाया जा सकते हैं उनकी गलती से वो बंधन होकर गए हैं ईसाया भविष्य दत्ता के द्वारे हमसे बातें करता है तो भी पराक्रम वीर के बंधुए उसे छीन लिया जाएगा देखिए कितना भी वीर होने दीजिए परमेश्वर से नामुमकिन कार्य कुछ भी नहीं है और बलात्कारी के शिकार उसके हाथ से छुड़ाया जाएगा और आप मुकदमा लड़ोगे और मैं तेरे लड़के वालों के को उद्धार करूंगा और आपके लड़के वालों को उद्धार करूंगा हमारे लिए कई कार्य रुकावट देखिए इस वचन में गुप्त बात है उनके सम्मुख हमारे बीच में रहेंगे तो हमारे सभी तितर बितर कार्य ठीक हो जाएगा कई जन को बताने के लिए अब समय नहीं है कालेब के बारे में बताइए यहोशुआ के बारे में बताइए कई जन जो ध्यान किए उन सभी को मैंने लेकर आई हूँ केवल 15 मिनट बाकी है पुरानी बातें बीत गई वर्ष अब हम नए साल में आए हैं कुरिन्थियों कलीसिया के लिए पौलुस ऐसा लिखते हैं पुरानी बीत गई कब नया हुआ और प्रसन्न उनके सम्मुख रहने में क्रिस्तु को यदि कोई मसीह के अंदर रहेगा और नई सृष्टि वही उनके सम्मुख கிறிஸ்துவின் ஆவி நமக்குள் இருக்கும் போது அவர் பிரசன்னத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் यदि मसीह की आत्मा हमारे अंदर है तो उनकी प्रसन्नता हमारे ऊपर भी आ जाती है அப்போ பழைய என்னாயிட்டு पुरानी बातें பேட்டா गया क्या हमारी जन्म किसी से डर कर हम क्या झूठ बोल रहे हमें जांचना है हालेलुया
அப்போ மோசே சொல்றாங்க நான் இந்த ஜனங்கள் கூட வர மாட்டேன் மோசா கேட்டே கி இஸ் பிரஜா கே சாத் மே நஹி ஆவுங்கா இந்த ஜனங்களுக்கு நான் சுதந்திரிக்கை கொடுத்தேன் இடத்த கூட்டிட்டு போ लेकिन प्रभु कहते हैं कि इस प्रजा को तू उस जगह पर उन्हें स्वतंत्र करने के लिए लेकर जा फिर मैं नहीं आऊंगा यदि मैं आऊंगा तो तुरंत इन्हें नाश कर दूंगा ऐसे कहकर उसके लिए भी परमेश्वर कहे कि सभी को अपने दाहिना को निकालने बोल सभी अपने दाहिना को निकाल कर रो पड़े परमेश्वर मोसा के साथ आमने आमने सामने बातें करने लगे तब कहने लगे मेरे सम्मुख तेरे बीच में जाऊंगा हमें यह सोच में नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर से पाप कर दिया परमेश्वर मेरे पास नहीं आएंगे मुझे और आपको परमेश्वर के पास मेल मिला होना चाहिए वचन को जांचना है ईसाक ध्यान करने लगा गया हालेलुया कुमार वो इकलौता बेटा था श्रीमान महन लाडला था और अमीर का बेटा था ध्यान करने के लिए उसे आवश्यकता नहीं था पिता बोलते हैं खुद के प्रजे में ही लड़की चाहिए कर कर ध्यान पढ़ना बढ़िया वो ध्यान किए इसके लिए परमेश्वर नौकर के आगे चला कर वहाँ रास्ता और कौन कौन ध्यान किया दाऊद कहने लगा रात काल के रात के दिन में भजन संगीता ध्यान पढ़ने रात पर ध्यान किया 66 संगीता 63 5 ले क्या 63 பண்ணிக்கிறவராயிருக்கிறபடியா वो ध्यान किया इसके लिए उसके उनकी भेड़ों को कोई छीन नहीं लिया यदि कोई मसीह के अंदर नया सृष्ट बन जाता है मौसे परमेश्वर आप यदि हमारे संग रहेंगे तो हम विशेष प्रजा तब परमेश्वर 34:10 में उनको उत्तर देते हैं तेरा प्रजा मेरे क्रिया को देखेंगे मैं तेरे संग रहकर जो कार्य करूँ वो भयानक रहेंगे आज आप लिख कर रखिए यदि हम मसीह के अंदर रहेंगे हम सभी के समान नहीं देखा जाएंगे हम अलग रहेंगे उनके समूह हमें अलग करेगी उनके समूह हमें अलग विशेष बना देगी लीलिया हमें ध्यान करना चाहिए ध्यान करते समय हमारी चाल चलन बदलेगी ध्यान करते हैं इसके लिए परमेश्वर गुप्त बातों को कहेंगे वचन कहने के लिए समय नहीं है जहाँ हम जाते हैं वहाँ सुगंध फैलेगी हमें हर एक दिन उनके स्वरूप को पहनना है कैसे पहनेंगे दूसरा कुरिन्थियों 3:18 ऐसा कहते हैं திரண்ட முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது தர்ப்பணமே உன்கே பர்ச்சாயை கொடுக்கிறது தர்ப்பன் மத்தலா பவித்ர சாஸ்திர அப்போ நம்ம எல்லாரும் திரண்ட முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமை மகிமைனா அவருடைய சாயல் இருக்கு
उनकी छाया उनकी महिमा वचन में उनकी महिमा और उनकी परछाई है। मुझे और आपको परमेश्वर की परछाई में स्पष्ट किए जैसे दर्पण में देखते हैं वैसा वचन को जांच से हम पुनरुत्थान होते हैं। आत्मा से हुए परमेश्वर उस परछाई से महिमा में महिमा होकर और हम पुनरुत्थान होते हैं। वचन को जांच से पांच कार्य को मैंने जांच लिया। अब वचन ध्यान के हमारे सागिल वचन को जांच से उनकी स्वरूप आ जाती है। हम जो पढ़े थे उस वचन में मार्ता ही परमेश्वर को स्वीकार किया। परमेश्वर तो कई झुंड के साथ आते हैं। परमेश्वर एक बड़ी झुंड में आते हैं। इनके घर में बुला दिए तो वह चाहिए ना। अब आप काम करना है। देखिए मरियम क्या कर रही थी। प्रभु के चरणों के पास बैठ गई। मार्था के लिए वाला देखिए अभी मार्था के लिए क्या काम है। चिंता मार्था तो अच्छी थी। उस पूरे झुंड को बुलाए हमेशा परमेश्वर एक बड़ी झुंड के साथ आते हैं। लेकिन मरियम उनके चरणों के पास बैठ गई। क्या परमेश्वर न्यायमान कह दिए प्रभु ना वाले से मुझे मैं तो काम कर रही हूँ। देखिए मेरी बहन आप मुझे अकेली छोड़ दी। फैमिली प्रचना हमारी परिवार की समस्या ये इसमें हमें सीखने के लिए बहुत है। हमें उनके समूह काफी है। उनकी प्रसन्नता काफी है। अब हम हमारे घर के काम कौन करेगा। उस दिन अंजीर के पेड़ को परमेश्वर श्राप दिया। वो क्या गलत किया। वो तो फल के समय नहीं था। फल देने का समय नहीं था लेकिन उसमें फल नहीं था। अब फिर से कोई तेरे फल को नहीं का पाएंगे। अत्ती मरा तांगे ले सेव मुड़चु अंजीर के पेड़ अपने काम को कर चुका था। देखिए हमारे खेत में सीम के पेड़ बिन समय पे भी वो बसिंग देती है। इस पार्ट हमें क्या सिखा कर देती है। हमारी रेगिस्तान की जिंदगी में हमारी स्वभाव कैसी है। नाम ये पदट पड़ी हम कितना दुख उठाते हैं। यदि मसीह हमारे अंदर रहेंगे हम सीधे हो जाएंगे। देखिए मैं कितनी जल्दबाज करती हूँ। वह हमें सावधान करते हैं। हालेलुया। मौसमान सुनिए कनी कुनकुन पूरी बुरी परिस्थिति में भी फल देना है करके परमेश्वर हमें सिखा कर देते हैं। कई काम हो सकता है लेकिन हमें गुड़गुड़ाना नहीं चाहिए। सुमर का देखिए मेरी छोटी बहन चुप बैठी है। मैं काम कर रही हूँ। देखिए परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया। तुझे काम से दबे हुए नहीं है। परमेश्वर हृदय को देखने वाला है। हम क्यों गुड़गुड़ाते हैं। क्यों बच्चे के बीच में इतनी नहीं है प्रेम नहीं है। यदि मसीह हमारे अंदर होंगे आधार अनब मसीह के लोगों के आधार है स्वभाव वही व्याकरण है। वो नहीं है हम बोलते हैं कि हम मसीह के लोग हैं। मरने के इच्छा क्षमा करने के लिए इच्छा नहीं है। कड़वाहट को रखे है। पवित्र शास्त्र कहती है वो कि शैतान की क्रिया है। इसे सभी को हमें जांचना है। परमेश्वर कहने लगे पाराटी वैसे
जो काम करते हैं उन्हें डांटने लगे क्या? हृदय को देखने वाला परमेश्वर ये काम के बोझ से नहीं इंग्लिश अब तुम तमिल बोलने वाले सभी अंग्रेजी बोलते हैं क्या बोलते हैं टेंशन टेंशन तमिल में अंग्रेजी में बोलते टेंशन तमिल में नहीं जानते अंग्रेजी में जानते हैं मसीह के अंदर मसीह के लोगों के अंदर मसीह टेंशन की आवश्यकता ही नहीं है वो जरूर आती है लेकिन इसलिए पत्रस के बीच में अग्नि जल रही हो नया हम अग्नि में चलेंगे तो भी अग्नि मार अग्नि के उस सुगंध ने उसकी बदबू नहीं आएगा अग्नि शोधन था हमारी समस्या अग्नि की समस्या ही है हृदय के जांचने वाला कहा कि मेरी समुख तेरे लिए काफी है तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है वो काम के लिए नहीं घबराई उनके अंदर टेंशन आ गई पर बाद में तीन जन भाई बहन मिलकर बहुत सेवा करते हैं उनकी शादी नहीं हुई क्या क्या चिंताएं मुझे और आपके लिए कई चिंताएं हो सकती है केवल परमेश्वर काफी है उनकी समूह काफी है वह हमें कभी लज्जित नहीं करेंगे उनकी वचन क्या कहती है एसाया 61:7 ऐसे कहती है हमारे लिए और आपके लिए हमेशा के लिए मगन है हमें हम जहाँ टहते हैं वहाँ दुगना आशीष देंगे टूटे हुआ रिश्ता नहीं रहना चाहिए कहाँ भी देखिए टूटा हुआ रिश्ता वहाँ प्रेम नहीं है एक मनुष्य कहता है परमेश्वर भलाई करते हुए घूम फिरते समय परमेश्वर मेरा भाई मेरा रख कर नहीं दे रहा है तब परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया मनुष्य ने ये मनुष्य मुझे न्यायाधीश बनकर रखा कौन नमक नल्ला तर पार वो हमारे लिए अच्छे भंडार आकाश को विश्वास हमारी रुकावट को बदलते हैं मरिया के समान उनके चरण काफी है वही अच्छे बाग है परमेश्वर अपने 12 चेलों के साथ ही घूम फिरे और कहाँ जाते समय 3 जन को लेके गए आकाश के भंडार को खोलते हैं जयंती बहन मुझे एक वचन दिया है कर्तर उनके परमेश्वर तेरे अच्छा भंडार आकाश को खोल कर खोलते है उसके लिए मैं काम नहीं जाती मैं तो अभी तो रिटायर हो गई यदि मैं रिटायर होती तो मेरे लिए बहुत धन आता था लेकिन परमेश्वर उससे भी अधिक मुझे दिए विश्वासी मैं और आप विश्वासी हो
लड़ाई के बिना नहीं रहेगा अभी नल्ला पोराटम वो अच्छी कुश्ती है अभी बेचिन पोराटम वो विजय की कुश्ती है अभी बेक पड़ता था पोराटम वो लजित ना करता हुआ कुश्ती है तोड़ोड़ तोड़ से इन मून शीशे पे पोना गया परमेश्वर के संग तीन चेले गए अंद मून वेर नाम नी बड़ी इरक वेंदो उस तीन में मुझे और आपको होना है मरियम मार्था रंग वेर नल्ला मंग मरियम और मार्था दोनों अच्छी बहन थे और पादर थे नल्ला पंग अब तेरे तांग लेकिन मरियम ने अच्छे भाग परमेश्वर को चरणों को से बाहर आते हुए देखेंगे इस दोनों बहने कह रही थी बोल के बेचती है जो आप स्नेह करते हो कमजोर है ऐसे कहती है लेकिन परमेश्वर वहाँ नहीं गए क्यों नहीं गए परमेश्वर की महिमा को बताने के लिए और चौथी दिन जाते हैं मार्था उनको देखने के लिए दौड़ती है तेरी भाई जिला जी उठकर आएगा हाँ प्रभु जी वो जी उठकर आएगा तभी आएगा पुनरुत्थान होते समय नहीं आने जीवन मई पुनरुत्थान और जीवन हूँ अभी वो जीवित होगा तब प्रार्थना करते समय बोलते हे पिता आप मेरे सुनते हैं क्यों इसे बताती हो सभी को सुनना है चिल्ला कर बताने बोलते हैं कि लासर तू बाहर आ कर कर हमारे कार्य सब मर चुका है परमेश्वर की नाम की महिमा होने के लिए परमेश्वर जरूर करेंगे हालेलुया 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 मुझे और आपको परमेश्वर के साथ बातें करना है प्रसन्न उनकी सब प्रसन्न होना है उनकी प्रशंसा मसीह हमारे अंदर जो भी लेकर आए थे सभी को मुझे आपको सीखना है हमारे अंदर क्षमा करने की स्वभाव होना चाहिए हम सोचेंगे कि पवित्र आत्मा मेरे हमारे अंदर है लेकिन वह नहीं ठहरेंगे हम तो वंचित किया हुआ जाएगा क्षमा करना है हमारे अंदर दृढ़पना नहीं चाहिए केवल एक ही जिंदगी पहला कुरिन्थियों पंद्रह अध्याय हमारे कार्य को सभी को सफल करना वाला जय कुछ देवन के जय विजय के बारे में बातें करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है और जय विजय देते हैं इसके लिए हमारे बीच में समस्या नहीं रहेगी नहीं है दूसरा वचन ऐसे कहते मेरे प्रिय भाइयों तुम जो प्रयास करते हो प्रयास विरुद्ध आपके विश्वास ऐसे ही नहीं रहेगा विश्वास सोधने वो तो ऐसे ही करना है कर कर आपको नहीं सोचना है विश्वास में दृढ़ हो अटल रहो और प्रभु के काम में सदा आगे बढ़ते जाओ किस में बढ़ना चाहिए प्रभु के काम में उनके काम क्या है क्षमा उनकी बात तो सभी अनुग्रह से भरा था प्रजा से पश्चाताप किए परमेश्वर की क्रोध हमारे ऊपर और चाहिए कहता है अरे उनके क्रोध से कई जन मर जाते हैं मर कर लाश हो रहे हैं आना विशेषित मैं और आप विशेष व्यक्ति है
तेरा प्रेमी भी जेब के अंडे के पेट अगर खुले द्वार पर खड़े रहकर प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए यदि हम मसीह के अंदर है नए सृष्टि है दूसरा कुरिन्थियों 5:15 करके सोचती हो यदि किसी को प्रार्थना करने कहते हैं मैंने दूसरे को बताया दीनता चाहिए शरीर हम तो शरीर में है हम शरीर में इसके लिए हमारे लिए कई समस्याएं है मैं और आज वचन की आज्ञा पालन करेंगे मसीह के अंदर रहेंगे पुराने बीत गई लेकिन हमारे लिए यदि हमारे बीच में मसीह की आत्मा है रेगिस्तान में वो जगह को उत्पन्न करता है और जंगल में नदियाँ को लेकर निर्जल देश में नदियाँ समान मनुष्य हमारे द्वारा उन्हें आदर मिलेगी यदि हमारे उनके समूह हमारे बीच में वो अभी भी मुझे हमें बुलाते हैं वो बोला बंद तो उठ तेरे गुस्सा को छोड़ देना हालेलुया नमक देवन दामी वचन के बिना ना कि ये ना को उंगल को बलन करवा रहा परमेश्वरी मुझे और आपको वचन के अनुसार चलने के लिए बल देंगे